जब एक हाथ से कई हाथ मिलते हैं तो हम अनेक से एक बनते हैं। FPO यानी किसान उत्पादक संगठन, किसानों का एक ऐसा संगठन जिसमें वो खेती से लेकर उपज को बेचने तक साथ मिलकर काम करते हैं। एक गांव में एक जैसी फसल उगाने वाले 15 से 20 किसान अपना समूह बनाते हैं। किसानों के ऐसे कई समूहों से एक FPO बनता है। कृषि क्षेत्र को मजबूत और हमारे मेहनती किसानों को समृद्ध बनाने के लिए ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की नींव रखी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होने का उनका सपना भी साकार हो रहा है। यहाँ देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों को सशक्त करने के लिए 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि उत्पादक संगठन बनाने की योजना भी लॉन्च की गई। FPO से न केवल किसानों की मोल भाव की क्षमता बढ़ती है, बल्कि खाद, बीज, परिवहन, भंडारण आदि की लागत में भी कमी आती है। FPO के माध्यम से किसान दूसरे बाजारों के साथ साथ ई नाम मंडियों में भी अपनी उपज को सुविधा पूर्वक बेच रहे हैं। यानी किसान अब तक उत्पादक तो था ही, अब वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO उसके माध्यम से व्यापार भी करेगा। इस योजना में एक ब्लॉक एक FPO को लक्ष्य बनाकर विशेष FPOs जैसे शहद, जैविक उत्पाद, बांस, तिलहन, कृषि वानिकी आदि का भी गठन किया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन के लिए कई एजेंसियां कार्यरत हैं। क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन यानी CBBO इन FPO को 5 वर्ष तक प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, क्रेडिट लिंकेज, अकाउंटिंग और ऑनलाइन बाजार से संबंधित प्रशिक्षण और सुविधाएं मुहैया कराता है। इस योजना में FPO को 15 लाख रुपए तक का पूंजी अनुदान और बिना किसी सिक्योरिटी के 2 करोड़ रुपए तक का लोन देने के लिए भारत सरकार द्वारा बैंकों को गारंटी देने का प्रावधान है। इसके साथ ही FPO के संचालन के लिए 3 वर्ष तक 18 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लगभग 1.25 लाख किसानों को 14 करोड़ रुपए का दिया गया पूंजी अनुदान FPO के मिशन को और मजबूती देगा और उनके व्यापार को बढ़ाने में मदद करेगा। सभी किसान भाई बहन भारत सरकार की इस क्रांतिकारी और ऐतिहासिक पहल का हिस्सा बने और FPO से जुड़कर एक उन्नत भविष्य की ओर बढ़े।